नमस्ते, मेरा नाम जानवी है। मेरा सांकेतिक नाम यह है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं प्रोफाउंड डेफ हूँ। मैं हिसार हरियाणा की वासी हूँ। मैं श्रवण एवं वाणी निशक जन कल्याण केंद्र हिसार में पढ़ाई करती हूँ, जो कि बधिर बच्चों का विद्यालय है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। शुरुआत में मेरी पढ़ाई बोलने सुनने वाले बच्चों के साथ हुई। मेरे माता पिता बधिर होने की वजह से मुझे सांकेतिक भाषा का तो ज्ञान था, लेकिन मैं लिखने पढ़ने में ज्यादा बेहतर नहीं थी, क्योंकि अध्यापकों द्वारा बोलकर पढ़ाया जाना मुझे समझ नहीं आता था। कुछ समय के बाद मेरे माता पिता ने प्रथम कक्षा के बाद मेरा दाखिला बधिर स्कूल में करा दिया। वहां सारे बधिर विद्यार्थी थे, लेकिन उस स्कूल में मेरा दाखिला अगली कक्षा में न होकर फिर से नर्सरी कक्षा में करवाया गया। वहां हमें सांकेतिक भाषा में पढ़ाया जाता था। सन 2019 में दो बधिर अध्यापकों की भर्ती हुई, सांकेतिक भाषा अध्यापक व कला शिक्षक। सांकेतिक भाषा अध्यापक ने हमें सांकेतिक भाषा की गहनता के बारे में बहुत विस्तार से समझाया। उन्होंने सांकेतिक भाषा की व्याकरण, मापदंड, अवधारणा इत्यादि के बारे में गहराई से समझाया। उन्होंने हमें बताया कि सांकेतिक भाषा भी उतनी ही महत्व है जितनी कि अन्य भाषाएं हैं। सांकेतिक भाषा के द्वारा हम अन्य भाषाओं की तरह ही बातचीत कर सकते हैं। मैं अपने उस अध्यापक की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें इतना सक्षम बनाया। साथ ही मैं कला शिक्षा की भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने कला के विभिन्न पहलुओं से हमें अवगत कराया। विभिन्न प्रकार की बारीकियों के बारे में उन्होंने बताया और कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमें तैयार किया। उन्हीं की बदौलत मैं कला के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल कर पाई हूँ। मैं अपने कला शिक्षक की बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत से लोगों को लगता है बधिर लोगों में कौशल की कमी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बधिर लोग सक्षम होते हैं। मैं खुद को ही इसका उदाहरण मानती हूँ। यस, आई कैन डू एवरीथिंग। मैंने छोटी उम्र में ही कला, सांकेतिक भाषा व शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है। पिछले वर्ष मैंने ISLRTC दिल्ली में सांकेतिक भाषा निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर हिसार केंद्र का नाम रोशन किया। मेरे निबंध का विषय था ग्रामीण व शहरी क्षेत्र। आइए इसकी वीडियो देखते हैं।
यह वीडियो ISLRTC के YouTube चैनल पर उपलब्ध है। मेरे और मेरे भाई के द्वारा भी एक YouTube चैनल चलाया जाता है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। मुझे देखने के लिए धन्यवाद।